यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये काबुल का सेंट्रल जेल है। और उस दिन जो तालिबान ने सब प्रोविंसेस को घेर लिया और वो काबुल के दरवाज़ों में खड़े थे, तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो फोर्स है, उन लोगों ने इन जेल को रिहा कर दिया और वो लोग निकल गए। लोग जो है उस तरफ से निकल गए जो बंदी थे, और इस दीवार से भी चालान लगाया। जो आप लोग ये दीवार देख रहे हो, इस दीवार से भी बंदियों ने चालान लगाया, जो आप लोग देख सकते हो इस जगह से। और अपने साथ असलहों को भी ले लिया, जैसे AK-47 और गवर्नमेंट का जो इक्विपमेंट थे अंदर, तो बंदियों ने अपने साथ ले लिए और इस दीवार से चालान लगाकर वो भाग गए। उनके बाद जो है यहाँ के जाई लोग जो है, जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर निकल आए और जो इक्विपमेंट थे इसके अंदर, इससे पहले के तालिबान यहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने चूर छपावल कर दिया और उस इक्विपमेंट को लेकर लेकर गए। जैसे कि आप देख सकते हो, टावर में एक तालिब वहाँ पे खड़ा है और इस जेल का जो है वो उस सिक्योरिटी उसके साथ है। लोग बहुत डर रहे हैं, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं। जैसे कि तालिबान ने ये भी बोला है कि आप लोग अपने जॉब में वापस आओ, अपना जॉब वापस शुरू करो, लेकिन लोग डर रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, लोग काम नहीं कर रहे हैं। अभी सब लोग जो है वो बहुत स्ट्रेस के अंदर है और सब लोग जो है, ज़्यादातर लोग वो रो रहे हैं। जैसे कि पहले दिन मैं भी बहुत रोया और यहाँ के जो लोग हैं वो अभी बहुत घबरा रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा और हम काम कैसे करें। लेकिन ये 3 दिन तक तालिबान ने बोला है कि आप लोग अभी सब्र करो, जैसे कि हमारे और फोर्स आए यहाँ पे, तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या करें और क्या नहीं करें। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.